नमस्ते एफ डी वन रजनी किशन में आपका स्वागत है आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक डिज़ाइनर दोपट्टा डिजाइन करना बताऊंगी ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये दोपट्टा बहुत ही सुंदर और क्रिएटिव है तो देखिए हमने यहाँ पर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है टू पॉइंट फाइव मीटर जॉर्जर फैब्रिक लिया है और इसकी चारों तरफ हमने ये सेंडून फैब्रिक की बॉर्डर बनाई हुई है बॉर्डर बना लगाना हमने इस वीडियो में नहीं बताया है वीडियो को लेंदी नहीं करना चाहते तो इसलिए हमने इसमें बॉर्डर अटैच नहीं करना बताया है और आप और भी वीडियो में हमारी देख सकते हैं बॉर्डर अटैच करना तो हमने इसमें कुछ टिशू फ्लावर बनाए हुए हैं अटैच कर करने के लिए तो देखें हमने कैसे टिशू फ्लावर बनाए हुए हैं तो हम अपने अगले स्टेप में देखेंगे कि हम टिशू फ्लावर कैसे रेडी करेंगे तो यहाँ पर हमने ये सर्किल कट कर लिए हैं छोटे छोटे आप जितनी साइज़ का टिशू फ्लावर बनाना चाहते हैं उतनी साइज़ का सर्किल कट कर लें और यहाँ पर हमने मोमबत्ती की सहायता से इन्हें कवर करा हुआ है आप आग की मदद से इसके किनार सिक्योर कर सकते हैं ऐसे ही हमने बहुत सारे सर्किल सिक्योर कर लिए हैं और इन फ्लावर को टोटल फ्लावर हमने बनाए हुए हैं जो उनको बनाने में हमें सवा दो मीटर फैब्रिक लगा है दो मीटर से ज़्यादा फैब्रिक लगा है आप अपने हिसाब से इसे बनाएँ जितनी लेंथ और हो आपके दुपट्टे की बिर्थ वाइज उस हिसाब से आपको फ्लावर बनाने पड़ेंगे जिस साइज़ के बनाना चाहते हैं उस साइज़ के आप इसे बना सकते हैं इसमें हमने कुछ छोटे बड़े सब साइज़ के सर्किल कट करके सिक्योर करे हुए हैं अब नॉर्मल लेडल ले, ले लेंगे और वाइट का, का थ्रेड हमने डाला हुआ है अब हम बड़े साइज़ का सर्किल लेंगे पहले बड़े से छोटे की ओर जाते जाएंगे हम ऐसे इससे छोटा लगाएंगे आप आप चाहें तो किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं ये बहुत ही इजी प्रोसेस है कि फ्लावर बनाने का ये फ्लावर बहुत ही काम के हैं और बहुत ही चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं किसी ड्रेस बनाने में किसी दुपट्टे की बॉर्डर बनाने में और क्लिप्स बनाने में हेयर वन बनाने में आप जो चाहें इनका यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग ये देखने में भी बहुत प्रटी लगते हैं और जब हम ऊपर की ओर चलेंगे तो हम इसके सेंटर में जो हमने सर्कल लिया उसके सेंटर में हम निडल को नहीं डालेंगे उसके किनार में भी डालेंगे जिससे एक पत्तियों जैसा लुक क्रिएट करे देखिए जैसा हमने किया है अब इसे हम दो से तीन बार लॉक कर लेंगे अच्छे से इसमें हमने व्हाइट कलर का थ्रेड इसलिए यूज़ करा है क्योंकि हमें इसमें वाइट कलर के बीट्स अटैच करने हैं सबसे छोटी साइज़ के हम इसमें बीट्स ले रहे हैं हम इसमें तीन बीट अटैच करेंगे देखिए ये तो एक एक बीट्स डालेंगे और हमने डिल को दूसरी तरफ निकाल करके फिर से ऊपर की तरफ निकालेंगे इस फ्लावर में हमने आपको क्लियरली बताया हुआ है कि कैसे बनाएंगे कैसे हम बीट्स लगाएंगे आप आसानी से इसमें से सीख सकते हैं और किसी भी ड्रेस या दुपट्टे को डिज़ाइन कर सकते हैं घर पर ईजी तरीके से देखिए हमने तीनों बीट्स अटैच कर लिए हैं आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में इसे डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ पर हमने जॉर्जेट फैब्रिक लिया आप चाहे तो नेट ले सकते हैं आप जो चाहे सिल्क ले सकते हैं आपको जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं हम बैक साइड से लॉक करेंगे इसे ऐसे ही हम इसे लॉक कर लेंगे अब हम इसे कट कर लेंगे ऐसे हमने बहुत सारे टिशू फ्लावर्स बनाए हुए हैं देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है बाकी के टिशू फ्लावर हमने रेडी कर लिए हैं अपने देखिए हमने दुपट्टे की दामन का एक छोर आपके सामने इसे देखिए बिछाया हुआ है अब हम इसमें फ्लावर्स अटैच करेंगे हमें कैसे लगाना है आप देख सकते हैं इसकी वर्थ हमारी फ़ोर्टी थी और इसमें हमने बॉर्डर लगाई तो ये फोर्टी टू रह गई हमारी बोलो करके टोटल व्रथ फोर्टी टू बची हुई है अब इसमें हम फ्लावर्स अटैच करेंगे फ्लावर्स रखने का तरीका बताते हैं हम इसमें हमने थोड़ी दूर दूर पर ये फ्लावर्स रखे हुए हैं आप चाहें तो पास पास भी रख चा, रखना चाहें तो रख सकते हैं आप चाहें तो और दूर रखना चाहें तो रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग देखिए फोर्टी टू रह गई थी फिर जो हमने बताया जैसा और देखिए एक लाइन में हमारे इसमें सात फ्लावर अटैच लगे हुए हैं सॉरी अटैच नहीं लगाए हमने ये अभी रखे हुए हैं इसके बाद हम अटैच करेंगे इन्हें और दूसरी लाइन है जो हमने दो के बीच में एक फ्लावर रखा है देख सकते हैं जैसे कि ये डिज़ाइन क्रिएट करी हमने दो के बीच में एक रखा हुआ है और तीसरी लाइन में हमने ऐसा ही दोहराया है आप भी ऐसे ही लगा सकते हैं आप जैसा चाहे वैसा कर सकते पूरे दुपट्टे में अटैच कर सकते हैं आप चाहे तो दूर दूर इसे हम गन की मदद से लगाएंगे गन को आप थोड़ा ज़्यादा गर्म कर लें उसके बाद ग्लू जब पतला हो जाए तब लगाएं और ग्लू थोड़ा सा ज़्यादा लगाएं क्योंकि ये फैब्रिक पर नहीं तो निकल जाएगा ये लगेंगे नहीं अच्छे से लगा लें और इसके बाद आप इसे इसके नीचे आप पेपर वगैरह कुछ भी बिछा लें हार्ड पेपर हो कोई तो आप वो बिछा लें जिससे ये आपकी ज़मीन अमीन में जहाँ पर आप लगा रहे हैं या किसी भी चीज़ पर ये चिपक ना जाए और क्योंकि पेपर में पॉलीथिन हो तो और अच्छा होगा वो पॉली में चिपकेगा नहीं और आसानी से आप उसे निकाल लेंगे तो ये निकल जाएगा इजीली आप इसे हाथ से भी अटैच कर सकते हैं वो सबसे अच्छा तरीका होगा और सबसे लॉन्ग लास्टिंग होगा यदि आप हाथ से टक करके इसे लॉक करती हैं देखिए अब हम अपनी नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं ये हमारे लग चुके हैं हमने ये कुछ थ्रेड के ट्रेसल लिए हैं नॉर्मल थ्रेड जो सिलाई वाले थ्रेड होते हैं हमने उन्हीं से ये ट्रेसल रेडी करे फ्रोजी और पिंक कलर के हमारा जो सूट है पटियाला सूट उसमें हम उसमें हमारे पिंक और फ्रोजी कलर है तो इसलिए हमने पिंक और फ्रोजी यूज़ करे हुए हैं इसकी प्रोसेस भी हमने अपनी बहुत वीडियो में दिखाई है आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हमने इसे बनाना बताया है आपको देखिए हम एक पिंक और एक फ्रोजी कलर का ऐसे अटैच कर लेंगे इसको अटैच करना भी हम आपको सिखाएंगे हमने इन ब्लैक कलर का थ्रेड लिया हुआ है और नॉर्मल नॉर्मल नडल ले ली है तो अब हम इसे अटैच करेंगे दो से तीन बार अपने दोपट्टी के छोर में अटैच करेंगे पहले देखिए आप चाहें तो इससे बड़े ट्रेसल भी यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो फैब्रिक के ट्रेसल भी बना सकते हैं ये हमने थ्रेड के ट्रेसल बनाए हुए हैं और आप चाहें तो सिल्क थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास है उससे आप बना सकते हैं और आप इजीली घर पर एक डिज़ाइनर दोपट्टा बना सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से देखिए अब हमें क्या है दोपट्टे में एक बार निडल डालनी है और साथ साथ हम अपने इस ट्रेसल के ऊपर वाले छोर जहाँ पर यहाँ पर हमने इसमें बीच में जगह है जहाँ से हम निडल को निकाल सकते हैं सो हम पांच से छह बार ऐसे इसमें से निकालते जाएंगे दोपट्टे के छोर में और पर, उस ट्रेसल के ऊपरी सिरे से हम देखिए निकालते जाएंगे और इसे डालते जाएंगे थ्रेड को आप छोटा लें क्योंकि इसमें फंसने का डर रहता है जैसा ये थोड़ा हमें फंसने में देखिए हमारा थोड़ा फंस रहा था डालने में बार बार निकालने में ये थ्रेड हमने थोड़ा लंबा ले लिया था तो अब छोटा ही लें जिससे आसानी होगी काम करने में देखिए ये हमने अटैच कर लिया है अच्छे से अब हमें इसे लॉक भी करना है हम इसे लॉक करेंगे आप इसमें से देख के आप आसानी से ट्रेसल अटैच कर सकते हैं इसमें हमने बहुत ही क्लियरली आपको दिखाया है कि कैसे हमें अटैच करना है ट्रेसल तो आसानी से आप अटैच कर पाएंगे देखिए हमने इसे लॉक कर लिया है ऐसे ही हम अपने सारे ट्रेसल्स अटैच कर लेंगे आप देख सकते हैं हमने सारे ट्रेसल अटैच कर लिए हैं बॉर्डर में हमने सिर्फ दामन की तरफ लगाया है जो हमारे बॉटम में आएंगे दोपट्टे तो के आप चाहें तो चारों तरफ भी लगा सकते हैं इन्हें हमने अपने फ्लावर और ट्रेसल बिल्कुल क्लियरली अटैच कर ली है अच्छे से फिनिशिंग के साथ आप देख सकते हैं कितनी फिनिश दिख रहे हैं हमारा दोपट्टा तो रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं दोनों तरफ हमने अटैच कर लिए हैं फ्लावर और ट्रेसल आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्रिएटिव आइडिया के साथ बाय बाय